हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड इलेक्ट्रिकल टिप्स और मैं हूं जय, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज हम नया सीलिंग फैन फिटिंग करने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास नया सीलिंग फैन है जो कि 70 वाट 1200 mm और 380 rpm का है। इसका वेट 2 kg है और ये 100 स्क्वायर फीट रूम के लिए सफिशेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम सीलिंग फैन स्टेटर को ओपन कर लेंगे। और इसे कार्टून के ऊपर ही उसको रखेंगे ताकि उसके में कोई स्क्रैच ना आए। ये पाइप है, इसी के थ्रू हमारा फैन सीलिंग में माउंट होता है। ये पाइप है दोस्तों, इसके साथ हम कैप को लगाएंगे। ये हमने पाइप के साथ कैप को लगा लिया है। ये हमारा ब्लेड है, ब्लेड को एक एक करके हमारे स्टेटर में टाइट कर देंगे स्क्रू के द्वारा, और अच्छे से टाइट करना है, लूज नहीं रहना चाहिए। लूज रहने से फैन चलते समय वाइब्रेट करेगा, हिलेगा और आवाज़ भी करेगा, इसलिए ब्लेड को अच्छे से टाइट करें।
दोस्तों हमने तीनों ब्लेड को स्टेटर में अच्छे से कस लिया है। अब कनेक्शन करने के लिए पाइप के अंदर से दो वायर डालेंगे। दोस्तों हमने पाइप के अंदर से वायर निकाल लिया है। अब पाइप में हैंगर को फिट करेंगे। दोस्तों ये हैंगर है और इसके सपोर्ट से हमारा फैन सीलिंग में हुक से लगता है। हैंगर और पाइप को नट बोल्ट के मदद से अच्छे से टाइट कर देंगे। लूज नहीं रखने हैं क्योंकि लूज रखता है, लूज रहने से हमारा फैन जब भी ऑन ऑफ करेंगे तो हल्का सा झटका लेता है, जिससे धीरे 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 हमारा ये बोल्ट कट जाता है। इसलिए लूज बिल्कुल ना रखें और नट बोल्ट टाइट होने के बाद स्प्लिट पिन, जिसे कि हम लॉक पिन भी कहते हैं, उसको ज़रूर लगाएं। एक सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। अब पाइप को स्टेटर से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए भी हम एक नट बोल्ट लेंगे और पाइप और स्टेटर को टाइट कर देंगे। इसको भी जितना हो सके फुल टाइट करना है, लूज नहीं रखना है। फुल टाइट होने के बाद बोल्ट में एक होल होता है जिसमें हमारा स्प्लिट पिन को लगा देना है। वो एक तरह से लॉक हो जाता है। ये हमारा सेफ्टी स्क्रू है। दोस्तों सभी पंखे में नहीं होता है, लेकिन जिस पंखे में भी होता है उसकी सेफ्टी बढ़ जाती है। इसको हमने लगा लिया है और अच्छे से टाइट कर देंगे। अब हम कनेक्शन करने के लिए दोनों वायर को अच्छे से छील लेंगे और टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, इसमें से बीच का जो होता है अपना वो
स्टार्टिंग का होता है, ऊपर वाला रनिंग का और नीचे वाला कॉमन होता है। तो हमें बीच वाले पॉइंट को खाली छोड़ देना है, ऊपर और नीचे में कनेक्शन करना है। हमने सप्लाई वायर को कनेक्ट करना है अच्छे से। लूज न रखें। एक बार खींच के जरूर देख लें कहीं लूज तो नहीं है। और ये कैप लगा देने हैं। दोस्तों, हमारा फैन अब लगाने के लिए रेडी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।